ईरान में महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं और जो सड़कों पर नहीं उतरी हैं वो अपना हिजाब उतारकर या फिर अपने बाल काटकर प्रदर्शन का समर्थन कर रही हैं। हुआ क्या वहां? एक 22 साल की महिला की संदिग्ध हालतों में मौत के बाद ये पूरे प्रदर्शन शुरू हुए हैं, लेकिन इन प्रदर्शनों के पीछे की कहानी क्या है, मामला क्या है, देखिए। पहले हिजाब जलाया, फिर बाल काटे। ईरान में महिलाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं, तो दूसरी तरफ कई महिलाएं सोशल मीडिया पर हिजाब उतारकर फेंकने के वीडियो शेयर कर रही हैं। कई महिलाएं सरकार की नीतियों के विरोध में अपने बाल काट रही हैं। सड़कों पर लड़कियों के साथ ही लड़के भी उतर आए हैं। हिजाब के खिलाफ क्रांति का असर इस वीडियो में साफ दिख रहा है। ईरान में महिलाएं बिना हिजाब के अपना वीडियो शेयर कर रही हैं और हर ईरानी महिला ने महसा के लिए एक मैसेज दिया है। सोशल मीडिया पर ईरान की महिलाओं के विरोध के वीडियो वायरल हो रहे हैं। महिलाओं के प्रदर्शन ने सरकार की सांसें फुला दी हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ईरान में महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। ये प्रदर्शनकारी 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद भड़के हैं। दरअसल 22 साल की महसा अमीनी अपने परिवार के साथ तेहरान घूमने आई थी। महसा को सिर ढकने के लिए एक सख्त ड्रेस कोड का पालन नहीं करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। हालांकि धार्मिक मामलों की पुलिस की हिरासत में ही महसा की मौत हो गई। चश्मदीदों का आरोप है कि पुलिस ने महसा को पीटा, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। वहीं पुलिस ने हार्ट अटैक को मौत की वजह बताया है। महसा के अंतिम संस्कार के समय कथित तौर पर कुछ महिलाओं ने सरकार के विरोध में अपने हिजाब उतार दिए और तब से ईरान में हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। ईरान में महिलाओं के लिए कपड़ों को लेकर कड़े नियम हैं। यहां 1979 में एक कानून बना दिया गया था। इस कानून के मुताबिक महिलाओं को इस्लामी तरीके से कपड़े पहनने होंगे। इस कानून के बाद यह जरूरी हो गया कि महिलाएं चादर ओढ़ें जो उनके शरीर को ढके रखे। इसके साथ ही हमेशा हेडस्कार्फ, हिजाब या फिर बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया गया। इन नियमों को लागू करने के लिए धार्मिक मामलों की पुलिस तैनात होती है। यह पुलिस हिजाब न पहनने वाली महिलाओं को गिरफ्तार करती है। पिछले कुछ सालों में ईरान में हिजाब की अनिवार्यता को लेकर कई अभियान चलाए गए हैं। 2017 में भी महिलाओं ने हिजाब उतार कर इसका विरोध किया था, लेकिन हर बार यहां की सरकार इन अभियानों को कुचल देती है। पुलिस टॉर्चर की वजह से मसीह अब इस दुनिया में नहीं है, पर उसकी कहानी ने ईरानी महिलाओं की क्रांति को नया बारूद जरूर दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।